Well, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे बाजीराव ने भोपाल में तहलका मचा दिया है क्योंकि उन्होंने मल्हारी गाने का लॉन्च किया है, तो वही तहलका मचाने और सबकी वाट लगाने आ रहे हैं नन अदर देन रणवीर सिंह। आप क्या कर रहे हो? मतलब एक तो आप रणवीर सिंह, ऊपर से आप बाजीराव, ऊपर से मल्हारी, यार जान ले लोगे यार। रणवीर अमृता तू कह तो मैं जान दे भी दूं। देखे कितने मिट्टी हो गए हो ना उषा जी। हाँ सीख गया हो ना असीरा। ओ असीरा मान जा, ऑल माय ऑल टाइम फेवरेट्स। RJ Alok doesn't have a hat on today, but he does it definitely has a hoodie on. Good to see you guys, yeah. Thank you for coming. Hope I can make it a good Saturday night for you all. You That's already first, are. Amruta Khandelwalkar. Yes, sir. Wow. What's going on? Sir, sab theek hi hai. Achha, kitna theek? Agar kitni gold hai hamulga. Wow. Get zapped. रणवीर आज आपने भोपाल में तहलका मचा दिया है और वैसा ही कुछ माहौल आज आपने यहाँ पर भी क्रिएट किया है, तो कुछ बताइए आज भोपाल में आपने क्या किया? अब मैं बताऊं भी तो क्या बताऊं, गाना ही ऐसा है, गाना बजता है तो तहलका मच जाता है। आपने ऑडियो सुना होगा एंड आई थिंक वी हैव द वीडियो टू शो एवरीबॉडी टुडे। सो इट्स बीन ओनली शोन वंस टू एवरीबॉडी हु केम आउट टू शो लव इन भोपाल, which by the way was absolute pandemonium. It was like a riot situation, and you know me, I love instigating mobs. It's a wonder they didn't jail me in Bhopal and I'm actually back here for the evening event. But it was a blast. The energy was fantastic. People loved the song and it was fantastic to see that. And I hope, you know, because like our team is always wary of the reactions in Bombay or the Bombay media, you know. मुंबई, माय नेम इज भाई। वेल ये तो था रणवीर का जलवा, लेकिन आई जस्ट वांट टू आस्क यू गाइस, आपने पिंगा सॉन्ग देखा है? ओहो क्या बात है, मैंने भी देखा है। और ना उसमें से एक जो स्टेप है ना, वो मैं कब से प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे मैं ठीक ठाक डांसर हूँ जैसा कि आप सब जानते हैं आई होप, तो यू नो मुझे वो स्टेप नहीं आ रहा है, तो कैन यू गाइस हेल्प मी? मतलब कोई अगर लड़की जिसको वो स्टेप आता होगा वो वाला, कौन सा वाला? ओ ओके ओके दैट्स नाइस। वेल यू नो हम लोग तो स्टेप करेंगे ही, लेकिन अभी मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ उन्हें जिन्होंने ना सिर्फ ये स्टेप बल्कि पूरा गाना बहुत ही खूबसूरती से निभाया है, द वन एंड ओनली द गॉर्जियस काशीबाई ऑफ बाजीराव मस्तानी। जब वो नथ पहन के स्क्रीन पे आती है तो दिल पर हजार तलवारें चलती है।
को जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नन अदर देन प्रियंका चोपड़ा। आज भगवान कुछ अलग ही खुश है मुझ पर मैम, बट वी डू नॉट सी यू डूइंग द पिंगा स्टेप, सो एक बार गाना हो जाए बस, इफ यू डोंट माइंड। या कैन वी गेट द गर्ल्स प्लीज अगेन? वेल आई थिंक लेट्स गिव इट फॉर प्रियंका। आई थिंक पिंगा स्टेप तो एक होना चाहिए। कैन वी हैव द म्यूजिक? Thank you so much. Bas, ma'am, you're looking gorgeous. Thank you. Ma'am, you're looking stunning. Thank you. Ma'am, I think I should continue. I think you should continue too. Wow. Ma'am, ये पहला event है जो आप बाजीराव मस्तानी का personally attend कर रही है, and trust me, believe me, we missed you, didn't we? मैंने अभी तक वर्चुअली अटेंड किए सारे बट आज की शाम कुछ अलग ही है क्योंकि आज आप यहाँ पर है। पिंगा ये गाना हमने देखा है और उसका होमवर्क भी शुरू है काफ़ी घरों में, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? ये बहुत ही मुश्किल गाना रहा मेरे लिए। मैंने बहुत वक्त हो गया कि मैंने एक इंडियन स्पेशली क्लासिकल गाना नहीं किया था, एंड आई थिंक और स्पेशली क्योंकि दीपिका और मुझे बिल्कुल सिंक में होना ज़रूरी था, एंड हम लोगों के पास सिर्फ 3 दिन थे रिहर्सल के लिए, हमें ज़्यादा वक्त नहीं मिला था बिकॉज बारिश आने वाली थी, तो सेट तोड़ना था, एंड इन द रेन्स इट वॉज एन आउटडोर सॉन्ग। सो हमने बहुत मेहनत की इस गाने में, एंड प्लस ये गाना बहुत प्यारा है, इसके बोल इतने अच्छे हैं, इसका सिचुएशन इतना डिफरेंट है। यहाँ इस गाने में कंपेटिटिवनेस नहीं है, इस गाने में एक आदमी के लिए मोहब्बत है, इट जस्ट हैपन्स टू बी द सेम गाय, एंड इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमनहुड कि आज के एक दिन के लिए सब कुछ भूल जाओ, और बिकॉज वी आर अ वुमन, आज हल्दी कुमकुम का फेस्टिवल चल रहा है, सो दे सेलिब्रेट वुमनहुड, एंड आई थिंक इट्स सो ग्रेट दैट टू वुमेन, जो इस फिल्म में शायद हम लोगों ने 2 सीन किए होंगे एक साथ, अबाउट 2 सीन्स ना दीपिका ने आया और एक गाना, क्योंकि हमारे वर्ल्ड्स एकदम अलग हैं, लेकिन इस गाने के लिए व्हेन वी बोथ केम टुगेदर आई थिंक वी हैड सच अ ब्लास्ट, मच टू संजय सर्स डिसडेन, बहुत अपसेट होते थे कि हम लोग इन्हें लड़ते हुए नहीं आ रहे हैं, वैन से फुगड़ी करते हुए आ रहे हो, बोलते थे कि तुम लोग फुगड़ी करते हुए आ रहे हो वैन से, बट वी गेट अलॉन्ग जेन्युइनली एंड यू नो वी रियली हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर ईच अदर, सो इट वाज फन। अच्छा, ये पिंगा स्टेप सबसे पहले किसको फट से आया?
सबसे पहले ये पिंगा स्टेप किसने सिखाया? संजय सर के यहाँ एक मौसी हैं जिन्होंने पूरा का पूरा पिंगा करके हमको दिखाया था सबसे पहले. वहाँ से इंस्पायर होके रेमो ने ये गाना कोरियोग्राफ किया. बट द पिंगा स्टेप विच इज दिस वन, ये एक ट्रेडिशनल स्टेप है विच इज़ द पिंगा डांस लाइक यू वुड नो एक्चुअली मोर देन मी. लेकिन तो ये मौसी ने सबसे पहले बड़े मजे लेके किया था. किसने? बहुत प्यारा लग रहा है मौसी. शी इज अबाउट शी मस्ट बी 75-80. लेकिन उन्होंने जो डांस किया पिंगा पे हम लोग बड़े शर्मा गए थे कि हमारा ऐसा होना चाहिए स्पेशली अ फेस. बट किसको ईजिली आया? किसी को नहीं. एटलीस्ट 40-40 टेक लगते थे हर शॉट के लिए. कभी मेरी उंगली ऊपर, कभी दीपिका की उंगली ऊपर, कभी मेरा हाथ नीचे, कभी उसका हाथ नीचे. सिमेट्री जब तक नहीं आता था संजय सर वुड नॉट ओके इट. सो इट वॉज अ लॉट ऑफ वर्क. हमारे पैर छिल गए थे बट इट वॉज जस्ट जॉय. इट वॉज सो मच फन डांसिंग टू द सॉन्ग. हाउ लवली. वेल, जैसे हम पिंगा स्टेप के बारे में काफ़ी बातें कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी जो लड़कियाँ बैठी हैं ना, इन्होंने मुझे चिट्स दिए कि अमृता वी वॉन्ट टू कम एंड परफॉर्म पिंगा स्टेप विथ प्रियंका. तो मैंने वो सारी चिट्स में से ना तीन नाम ऐसे निकाले हैं. सो आई वुड लाइक टू कॉल देम. आई हैव नेम्स उर्वी, अनीता एंड मनीषा. सो कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज? कम ऑन नाउ, इतना भी मत शर्माओ. कम ऑन लेडीज. वैसे काफी इजी स्टेप है. Thank you so much, ladies. Thank you. It was such a cute moment. So that you can have your lovely photographs here. And are free to ask them any questions that they want. Any questions ka to pata nahi lekin any matlab obviously Bajirao Mastani se related. Aha, kya nacha hai, mind blowing. Ab ye ladies hain hi aisi, aapko batayengi nahi, but the difficulty level, I can say it, the difficulty level of this song is very very high. You know, ek ek second mein do step. And to learn so much in such a compressed time under pressure, you know, like she said, the rain is going to come and they only had that much time to shoot. So hats off to you ladies for doing what you did. A round of applause for the Pinga performance and our lovely ladies. Thank you. I miss my partner in crime, but she's doing a tamasha somewhere. So, we'll miss her, but yeah, I don't think I could have picked a better partner to do this song with. This, she sung it extremely well, you know. But Shreya, na, me now. Bezti karna koi seekh tumse. Shreya, I apologize.
PC is the singer here, but No, please, thanks. मेरी मजाल नहीं है ये गाना. आप लोगों को सवाल नहीं पूछना, आपने सारे सवाल बाहर पूछ लिए मुझसे. Sorry. Please, पूछिएगा, पूछिएगा. हम चुप नहीं रहेंगे तो वो कैसे पूछेंगे? First of all, from where do you get so much energy in the song? It looks outstanding. Oh, the Malhari? Malhari song. अरे. No, Pinga. Where were you in it? I don't know, man. वो गाना बजता है एक just electric shock लग जाता है मेरे पूरे तन बदन में. I remember Mr. Bhansali was in the sound studio on the day that I got my mundan done, and he called me over. He was like, "Come, show me how you're looking. I'm in the sound studio. Come, I'll make you hear something." And he played it, and I was so excited that I was like all jumping around in the studio. I couldn't wait to shoot it. And then he had to wait to shoot it because he broke his shoulder. Broke my shoulder. So what was supposed to happen in the middle of the film happened in the end of the film. But what I will tell you is there was a fantastic vibe on the set while shooting. You know, Ganesh Masterji, Sanjay sir and myself coming together after Tatar Tatar. So we really had to take it many steps ahead, and we tried. And the boys who were dancing with me were all boys that I work with, you know, frequently. So it really did feel like Rao dancing with his men. You know, and it was a fantastic vibe. We were high-fiving each other, hugging each other before the take, you know, putting our hands together, Ganpati Bappa Moria. And it was just a blast of a shoot. You know, Ranveer, the question is that, you know, every actor wants to, like, it is a reactor to get a following amongst the masses and get the kind of whistles and everything. And, you know, going by the reactions, the trailer and this, do you think this film will do that for you? I hope so. That's always the aim, no? The love of the audience is the only reason we do what we do. So I sincerely hope so. We've put our blood, sweat and tears for over a year into this film, all of us, our entire team. And and it's all for the love of the audience. So come 18th December, I hope the audience loves our labor of love. Ma'am, aap pehli baar film ke promotion ke liye aayi hai. To ab aap aage bhi film ka promotion karegi? Kyunki film ko competition kaafi tough hai Dilwale se. I don't think hum compete kar rahe hain. I think दोनों बहुत ही खूबसूरत फिल्में हैं, दोनों बहुत प्रोलिफिक फिल्म मेकर्स हैं और दोनों बहुत अलग किस्म की फिल्में हैं. और आई थिंक इसको एक कंपटीशन बना दिया गया है, बट आई डोंट थिंक इट नेसेसरली हैज़ टू बी. दोनों जॉनर्स आप देखिए फिल्म्स के एकदम अलग हैं, तो उस वजह से मेरी ज़रूरत नहीं है, ऑफकोर्स नॉट. लेकिन मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ तो अपनी तरफ से जितना करने की कोशिश करूँगी डेफिनेटली करूँगी. बट हमारे पास राव है, हमारे पास मस्तानी है, हमारे पास संजय सर हैं और मैं भी हूँ, और आई थिंक हम लोग सब अपनी तरफ से जो प्रमोट करेंगे फिल्म को, ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. इसको जब आप प्ले कर दो, एंड आई रियली मीन इट, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. हो कि नहीं मैम, काशिप भाई और मस्तानी कभी एक साथ प्रमोशन में दिखे नहीं, तो आगे कभी एक साथ दिखेंगे? पिक्चर में क्या देखोगे फिर? डॉगी को बुला रहे रणवीर की. रनो 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 नो नो रणवीर, ऑब्वियसली योर एनर्जी इज अनमैचेबल, बट वाज देयर एनी सर्टेन पॉइंट व्हेन यू योर एनर्जी वाज चैलेंज विद द एंटायर रोल एंड यू गेव अप एंड यू वर लाइक कि अब नहीं हो रहा है मुझसे, वाज देयर एनी सर्टेन पॉइंट और लाइक गिव अप? तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं. चाहे जान चली जाए मैं शॉट दे के रहूंगा. इट वॉज अ टास्क. आई कैन स्पीक अबाउट द सॉन्ग. मिस्टर भंसाली एंड गणेश मास्टर जी विल बोथ टेल यू के दूसरे आर्टिस्टों को ये करना पड़ता है, कम ऑन, और मुझे उल्टा करना पड़ता है, थोड़ा कम, थोड़ा. बेटा तू बहुत एक्साइट हो रहा है, बेटा तू फ्रेम के बाहर जा रहा है, बेटा थोड़ा सा कंट्रोल, बेटा फोकस नहीं जम रहा है. तो सो या आई मीन आई गेस यू नो आई थिंक पीसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव डन 3 फिल्म्स टुगेदर. आई थिंक शी इज द ओनली वन हु हैज एक्चुअली एनालाइज्ड इट करेक्टली. शी सेड इट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल धड़कने दो, इज दैट आई हैव सच जॉय एंड हैप्पीनेस फ्रॉम जस्ट द फैक्ट दैट आई बिकेम एन एक्टर. मम्मी मैं एक्टर बन गया. मम्मी दैट आई जस्ट लव being on set and every day of shoot and just giving everything to what I'm doing because I genuinely love it. And you know, it's actually extremely inspiring when you and this is something I've seen with Anil Kapoor as well, and that's why when we were doing Dil Dhadakne Do, ye dono ek dusre ko hi comment karte rehte hain bas.
और तो कोई था ही नहीं वहाँ पे, बस यही दोनों थे और हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. लेकिन इनकी जो लेकिन इनकी जो ये है ना कि ये एक्साइटमेंट फिल्म सेट पे जकास. तू मेरी बेटी कैसी लग सकती है? फर्स्ट क्वेश्चन टू मी, तू मेरी बेटी कैसी लग सकती है? सो बहुत इंस्पायरिंग होता है जब सेट पे आप जाते हैं और यू नो कोई चाहे कुछ भी हो जाए, दिस देयर इज अ पॉजिटिविटी एंड देयर इज दिस एनर्जी जिसको कंटेन भी करना पड़ता है कभी कभी कि बेटा एक्टिंग कर ले, लाइन बोल ले बस और शॉट के बाहर चले जाए. दैट इज ऑल वी नीड टू डू. बट इट्स जस्ट रणवीर एंड आई, एटलीस्ट हम लोगों ने तीन फिल्में जैसे की हैं एक साथ, एक बहुत कम्फर्ट है हमारा. हम एक दूसरे से लड़ते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन तभी भी यू नो देयर इज अ सर्टेन कैमराडरी दैट वी अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट दैट वी हैव फॉर ईच अदर, प्लस वी कैन लाफ एट ईच अदर, सो वी हैव फन. बाजराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है. अरे दादा जरा मेरा दिखाना. So bad. AK साहब जैसा कोई नहीं भैया. हाय प्रियंका. प्रियंका, at any point were you tempted to play Mastani's character before the film, during the film, after the film? I was the first one cast in this film, so I always knew I was playing Kashi. I was always approached as Kashi. I remember हम Marycom की shooting कर रहे थे मनाली में, तो मुझे कभी नहीं पता था कि राव और मस्तानी के किरदार किसके होंगे. बट आई थिंक फॉर मी ऑनेस्टली द टेम्पटेशन वॉज टू प्ले अ कैरेक्टर विच नेवर गॉट अ वॉइस इन हिस्ट्री. कि बाजीराव और मस्तानी की कहानी यू नो सदियों से सुनते आ रहे हैं, काशी का क्या हुआ, उसको कैसा लगा होगा, उसके दिल पे क्या बीती होगी. और मैं इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ, गंगा जल आ रहा है, आई एम डूइंग क्वांटिको राइट नाउ. फॉर मी क्या फिर से बोलो. Anyway, for me, it's very difficult for me to play such a gentle character. So, mere liye wo bahut bada challenge tha. But of course, I mean, I would have loved to play Bajirao or Mastani. Hello, Priyanka. Yeah, Priyanka ma'am. Jaise this is the first time aap promotion pe aayi hain Bajirao ke. So, ye time management is because of Quantico. Aap yahan par nahi aa pa rahi. So, ye shooting ke time pe bhi ye problem reh rahi thi. Meri shooting pehle khatam ho gayi thi. Before I had to start. Quantico, लेकिन थोड़ा काम बचा था, फॉर विच आई केप्ट फ्लाइंग डाउन. मैं एटलीस्ट 3-4 बार आई हूँ अमेरिका से यहाँ पे शूटिंग खत्म करने के लिए. बट माई मोस्ट ऑफ माई चंक द फिल्म स्टार्टेड विथ काशी विला, जैसे हम उसको कहते हैं काशी विला, काशी का रूम. बट इट स्टार्टेड विद दैट एंड वी फिनिश्ड माई बिगेस्ट चंक एंड देन आई थिंक दे स्टार्टेड विद मस्तानी एंड राउस पार्ट्स, बिकॉज इट वॉज प्लान लाइक दैट, शेड्यूल लाइक दैट. अगर हम बात करें आपकी जो नेक्स्ट मूवी आ रही गंगा जल, सो प्रकाश झा ने कहीं ना कहीं कहा है कि इंटरनेशनली फेम आपको उस मूवी पे ही मिलेगा बिकॉज ऑफ क्वांटिको. सॉरी मैं समझी नहीं आपका सवाल. आई होप सो. आई होप कि मैं जो भी काम करूं, चाहे वो बाजीराव मस्तानी हो, क्वांटिको हो, कहीं पे भी हो, उससे मेरी बाकी फिल्म्स बेनिफिट करें. वो तो हम हमेशा चाहते हैं एक्टर्स की तरह. जी आप कहाँ हैं? इधर इधर. हाँ जी प्रियंका, आप इस फिल्म में रणबीर और दीपिका से सीनियर हैं, तो इनकी प्रिंसिपल भी हैं, तो इनको कभी सेट पे डाटा वाटा भी आपने? एक्चुअली दीपिका को मैं सालों से जानती हूँ, इसकी जरूर हूँ, इसको तो बहुत पड़ती है मुझसे, हर फिल्म में पड़ी है. लेकिन दीपिका मेरी दोस्त है, हम लोग आई थिंक दोनों इसके ऊपर बहुत गैंग अप करते थे बेचारा, सो आई ऑल्सो फील बैड फॉर हिम. लेकिन हाँ इसकी बहुत फिरकी लगी, एक तरफ दीपिका दूसरी तरफ प्रियंका, मैं बेचारा कहाँ से हो गया यार. रणवीर दैट इज ट्रू. रणवीर टू प्रिटी वुमेन यू आर पिटीड ऑपोजिट हियर. मैं आवाज से ही पहचान गया. उनके कोई भी दो ट्रेट्स जो अच्छे लगे हो बताइए. जी सामने बैठी है लेकिन प्रेज करना तो बनता है. फर्स्टली आई पर्सनली एंड आवर एंटायर कंट्री इज वेरी 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 प्राउड ऑफ प्रियंका फॉर डूइंग व्हाट शी डिड विद क्वांटिको, गोइंग देयर टू न्यू इंडस्ट्री, मेकिंग अ बैंगिंग सक्सेस आउट ऑफ इट, डूइंग एक्सट्रीमली वेल, हॉट शो द वर्ल्ड ओवर. एंड पीसी वेर रियली रियली, आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. And I think testament to, I think Kashi Bai is a testament to PC's versatility. I think they're very, very, she's a very, very rare performer.
very fine artist. I am allured towards actors who can display range and versatility, you know, and PC over the number of years that she's worked has displayed such immense range. You know, she can be Jhilmil also, and Sweetie also, and Aisha also, Nandita also, Alex Parrish and Peshwin Bhai in the same year. You know, it's absolutely incredible. God, that's true. Alex and Peshwin were shot together. Yeah, that's true. And you know, it's like you're Alex Parrish, and then you take a flight and you come and then you're Kashi Bhai. It's a real trip, I'm sure. So yeah, I mean, hats off to her versatility. It's really inspiring for me. Bollywood ke sabse energetic hero aap hain. Chahe stage show ho, chahe picture ho, aap puri public ko apni taraf khinch lete hain. तो आपको प्रियंका जी को छोड़ के कौन सी हीरोइन ऐसी लगती है जो कि आपकी जैसे टक्कर की एनर्जेटिक हीरोइन हो? मैडम, आप अपने आप को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही हैं। पहले तो आप बोल रही हैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी एनर्जी को मैच कर सकता है, फिर आप पूछ रही हैं कौन ऐसा है जो मैच कर सकता है। लड़की के बारे में बोला ना, व्यक्ति बोला उन्होंने। लड़कों के साथ मेरा कंपटीशन नहीं है, मैं तो सिर्फ लड़कों के साथ कंपीट करती हूँ जी। हाँ, देखा है मैंने स्टार वर्ल्ड पे। रणवीर, यू डिडंट गिव मी टू। इट्स ट्रू रणवीर, यू डिडंट गिव मी टू ट्रेट्स ऑफ दीपिका। ओके, टू गुड पॉजिटिव ट्रेट्स। वेल, इट्स आई थिंक फर्स्टली हर वर्क एथिक, यू नो, इज रियली अनपैरेलल्ड। द वे शी इज एबल टू मल्टीटास्क एंड यू नो डू सो मेनी थिंग्स एट वंस, अ थॉरो प्रोफेशनल, and I think she's a very, very generous actor. You can completely trust her, you know, and in a scene you can submit and surrender and you know that things are going to be great. She's very connected to you as a co-actor, and that really, really makes the scene what it is. So you, when you're acting with Deepika, you're like, okay, I'm on a good wicket. आप तो बहुत अच्छी लग रही है। But no, my question to you is, विक्रम ने इलिका से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं और शादी भी की है। Thanks, good clarification. No, my question, I mean, I never regret your press conference. आपने आपकी आवाज आई, मैं समझा मैं कौन बनेगा करोड़पति में आ गया। My question is that I never regret you know your press conferences, but today I do because I forgot to record Quantico for some reason. So yeah, but you know it's a period film. Bajirao Mastani, and already a lot of talk about, you know, how the community is not taking too well to how the film is being portrayed as of now. So how do you plan to tackle that, considering, you know, there's something happening at the Pune court? I'm not fully aware of it, but what do you think? I mean, how does the cast and of course the producers plan to tackle this issue? Main actor, mera kaam acting, जवाबदारी प्रोड्यूसर। जीज, दैट्स सच अ कॉन्वोल्यूटेड क्वेश्चन। फर्स्ट आई हैव टू इमेजिन देम प्लेइंग दीज पार्ट्स, देन आई हैव टू इमेजिन दीज टू अपस्टेजिंग। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना वक्त नहीं मेरे पास, मेरी फ्लाइट है 1 बजे। मैं आपको बताती हूँ कि रणवीर और दीपिका से बेहतर बाजीराव मस्तानी कोई नहीं प्ले कर सकते थे। और अगर 12 साल के बाद, 12 साल लगे इस फिल्म को बनने में, और मैं हमेशा सच में ये बिलीव करती हूँ, और आप लोगों ने मेरे करियर को विटनेस किया है। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो मैंने की हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्में जो किसी और को करनी थी जो मैंने की हैं, लेकिन जब फिल्म बनती है ना और चलती है, उसमें नाम जो जिसका आता है क्रेडिट्स पे, फिल्म उसकी होती है। थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू।